आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल इंजीनियर्स कोच में। तो आज हम पढ़ेंगे लॉन्ग कॉलम एंड शॉर्ट कॉलम के बारे में। तो आप कैसे पता लगाएं कि ये लॉन्ग कॉलम है या शॉर्ट कॉलम है? तो इसका एक फार्मूला है, आर इज़ इक्वल टू इफ़ेक्टिव लेंथ, ठीक है, अपॉन लीस्ट लेटरल डाइमेंशन, ठीक है। तो ये है आपका एल ई से इसको डिनोट कर रहे हैं, बी से लीस्ट लेटरल डाइमेंशन, ठीक। अगर आर जो है वो ग्रेटर देन 12 आ रहा है, ठीक है, इस फॉर्मूले पे आप रखोगे वैल्यूज़, ठीक है। अगर आर की वैल्यू, ठीक है, ये आर है, आप यहाँ से फाइंड करोगे आर, आर इज़ इक्वल टू ये रखोगे इफ़ेक्टिव लेंथ अपॉन लीस्ट लेटरल डायमेंशन। तो इसकी वैल्यू अगर 12 से ज़्यादा आती है तो वो आपका रहेगा लॉन्ग कॉलम, ठीक है। और यही इसी फार्मूले पे सब पुट करोगे वैल्यूज़, तो अगर ये आर की वैल्यू लेस देन 12 है तो ये आपका होगा शॉर्ट कॉलम। तो जो आपका लॉन्ग कॉलम होता है, ठीक है, मान लो ये कॉलम है लॉन्ग कॉलम, ठीक है, कैसे फेल होता है? बकलिंग में फेल होता है, ठीक है। और जो शॉर्ट कॉलम होता है वो आपका फेल होता है क्रशिंग में। ठीक है, और लॉन्ग कॉलम किस में फेल होता है? ये चीज़ याद रखना, ठीक है। अब एक एग्जांपल से समझाते हैं। मान लेते हैं इसका डायमेंशन हम ले लेते हैं, मान लो 8 मीटर ले लेते हैं, ठीक है, ये लेंथ ऑफ कॉलम, ठीक है, ये आपकी लेंथ हो गई। ये जो डायमेंशन है वो 0.4 ले लेते हैं, तो ये डायमेंशन है 0.8 मीटर, ठीक है। अब अज्यूम कर लेते हैं कि ये फिक्स्ड कॉलम है, ठीक है, ये बस समझाने के लिए आपको ले रहे हैं, ये अज्यूम कर लेते हैं फिक्स्ड है, ठीक है। देखिए कॉलम कई टाइप के होते हैं, पहले ये भी बता दें आपको, जैसे ये हो गया पिंड, पिंड कॉलम, ये आपका हो जाता है दोनों साइड फिक्स रहता है, ये फिक्स कॉलम। और एक होता है फिक्स्ड और ये फ्री, फिक्स्ड और फ्री। तो इसका एक फार्मूला है, ये हम लोग सपोज़ कर रहे हैं कि ये फिक्स्ड कॉलम है, ठीक है, ये कॉलम फिक्स्ड है, फिक्स्ड कॉलम। तो इसका एक फार्मूला है, इसका इफेक्टिव लेंथ होता है यहाँ से यहाँ तक का एल ई, ये एल ई इफेक्टिव लेंथ 0.5 × L, ठीक है। सबका अलग अलग फार्मूला होता है, जैसे पिंड कॉलम का अलग, फिक्स कॉलम का अलग, और फिक्स्ड और फ्री कॉलम का अलग। तो हम लोग यहाँ अज्यूम किए हैं कि ये कॉलम जो है वो फिक्स्ड है, तो इसका इफेक्टिव लेंथ का फार्मूला है 0.5 × L। तो अब इस फार्मूले पे इसको हम लोग पुट करते हैं, देखते हैं ये लॉन्ग कॉलम है या शॉर्ट कॉलम है। तो आर की वैल्यू पुट करते हैं, इफ़ेक्टिव लेंथ का क्या फार्मूला है, ये फिक्स्ड है, तो एल ई इज़ टू 0.5 × L, और नीचे क्या था, लीस्ट लेटरल डायमेंशन। अब इसमें जो लेटरल डायमेंशन है यानी साइड डायमेंशन में से सबसे लीस्ट कम है, सबसे कम कौन है, तो ये है 0.4, तो ये वैल्यू पुट करते हैं 0.4। यहाँ पे L क्या था, L, अब L ये है लेंथ, ठीक है, 8 मीटर। अब 0.4 आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा 10, ठीक है। तो अब ये जो R है वो लेस देन 12 आ रहा है, क्योंकि R की वैल्यू आ रही है, R इज़ इक्वल टू 10 आ रहा है, ठीक है। तो R क्या है, लेस देन 12 है। तो यहाँ पे हम क्या बता रहे, अगर R लेस देन 12 है तो आपका है ये शॉर्ट कॉलम, ठीक है। तो आप ऐसे फाइंड कर सकते हो कि ये लॉन्ग कॉलम है या शॉर्ट कॉलम है। तो ये था डिफरेंस लॉन्ग कॉलम एंड शॉर्ट कॉलम में।
आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो हमारे चैनल इंजीनियर्स कोच को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइए लेक्चर कैसा लगा। थैंक यू।